एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु, एक कार्मिक हीलर, डीएनए हीलर, रिकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और भी बहुत कुछ है। आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कोर्सेज सीखने के लिए courses.healingbills.in पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में को भी कनेक्ट, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन ध्यान जा रहा है अपने संपूर्ण हेल्दी होने के लिए, अच्छी एनर्जीज में वाइब्रेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ध्यान कहूँगी, थोड़ा सा छोटा सा भी ध्यान आपको करना चाहिए। ध्यान ही तो कम से कम बैठे बैठे जाप ही कर लेना, ऐसा कुछ बताने वाली हूँ। और ये काम सातों चक्र पर करने हैं। अगर हम कहते हैं ना, एक नॉर्मली हम फोटो देखते हैं जब सात चक्रों की, वो सिंपल से फोटोज देखते हैं, बीच में यंत्र है, छोटा छोटा यंत्र दिखता है, पेटल्स होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा डिफाइंड होते हैं चक्र। आज मैं जो ज्ञान बता रही हूँ, मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान है, ठीक है। मेरे गुरु ने मुझे बताया था, एकदम एक दिन मैंने ध्यान में देखा था तो मुझे लगा कि ये बातें आपको बताती हूँ। कितने सुंदर उन्होंने मुझे चक्र दिखाए, कैसे चक्र हो जाने चाहिए तुम्हारे। और वही बात मैं अभी आपको बता रही हूँ, मुझे याद आ रही कैसे मुझे वो एकदम याद आ गई थी, वो चीज़ें फ्लैश हो गई थी। और उसी कॉन्फिडेंस से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब आप कीजिए। कुछ जन्म पहले की बात है, कोई बहुत ऐसा कि युगों पहले कुछ हुआ था जो अब नहीं हो सकता। इतना आसान होता है खुद को अच्छी एनर्जी में वाइब्रेट कराना, जो मैं आपको बताऊँगी। हम मेडिटेशन से बहुत लोग भागते हैं ना, समय नहीं है, या फिर हो सकता है हमारा समय नहीं आया होता है कि सोल इनलाइटनिंग का, ऐसा कुछ भी होता है कि हमें कामिक पैटर्न्स में फंसे हैं, सोल इनलाइटनिंग के लिए हमें समय नहीं मिल रहा है। अगर हमें उससे निकलना हो तो करेंगे क्या? बहुत आसान सा तरीका भी तो कुछ होता होगा ना ब्रह्मांड में, बहुत आसान सा सच में तरीका है। बस आपको ना सातों चक्र के बीज मंत्र पता होना चाहिए। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको सात चक्र के बारे में पता भी होना चाहिए। आपको मैं फोटो वगैरह दिखा दे रही हूँ, देखो। सबसे नीचे रूट चक्र जिसका तत्व होता है पृथ्वी, उसके ऊपर सेक्रल चक्र जिसका तत्व होता है पानी, उसके ऊपर होता है मणिपुर चक्र जिसका तत्व होता है अग्नि, उसके ऊपर हृदय चक्र जिसका तत्व होता है वायु, उसके ऊपर है आपका थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र। इन दोनों का तत्व होता है आकाश। लेकिन जो दृष्टि है या आज्ञा चक्र है, ये वाइब्रेट होने लगती है क्राउन चक्र से। ये जो और क्राउन चक्र जो है ना, इसमें अलाइनिंग भी होती है। तो आकाश तत्व तो होता है आज्ञा चक्र, साथ में उसमें ब्रह्मांड के तत्व भी होते हैं। और जो सहस्रार चक्र है, द क्राउन चक्र, वो कम्प्लीटली ब्रह्मांड का तत्व होता है। इन सातों चक्र को अगर हम अलाइन कर लेते हैं तो हमारी चक्रों की का जो गठन होता है वो और सुंदर होने लगता है। और सुंदर होने से हर चक्र की जो जागृति होती है, जो आपकी एनर्जीज को और वाइब्रेट करती है, नॉट ओनली इन एनलाइटनिंग बट ऑल्सो इन योर हेल्थ। चक्र सारी बॉडी पार्ट से जुड़ते हैं, हमारी नाड़ियों से जुड़ते हैं, नाभि में भी हारा चक्र होता है। जानते हैं आप इसके बारे में? नहीं जानते हैं तो मैं बताने वाली हूँ इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हारा चक्र। रेकी हीलर्स को नाभि पे भी जरूर हील करना चाहिए। मैं हारा चक्र पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपको बताऊंगी। इन चक्रों को जब हम हील करते रहते हैं तो बॉडी एकदम प्रॉपरली वाइब्रेट होती है, आप हेल्दी होने लगते हैं। तो अगर रेकी हीलर भी नहीं, कुछ नहीं, तो सिंपली हर चक्र का एक अक्षर का मंत्र है। रूट चक्र का है लम, सेक्रल का वम, सेक्रल माने स्वाधिष्ठान, मतलब ठीक है स्वाधिष्ठान। मणिपुर का हो गया रम, हृदय चक्र का हो गया यम, विशुद्धि का हो गया हम, आज्ञा चक्र का ओम और सहस्रार का ओम। ये लंबा होता है या ओम छोटा होता है, और उसके बाद बाकी तो आप नोट कर लो। हर चक्र का ना आपको रोज 8-10 बार चांट करना, एक बार बैठ के लम लम लम। मैं एक काम करती हूँ, मैं चांट करती हूँ, ठीक है। और आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ सातों चक्र के लिए चांट करो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा चांट करना कैसे है। और जिन लोगों को याद नहीं रहता मंत्र, इतना सा आप साथ में कुछ दिन कर लोगे तो होपली याद हो जाएगा। हो जाएगा तो बीच में कुछ अच्छा सा म्यूज़िक डाल देंगे ताकि थोड़ा सा मन लग जाए आपका, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा म्यूज़िक मिलेगा तो बाय द टाइम आप मेरे साथ थोड़ा कहीं भी आप उंगलियों पे गिन सकते हो, मेरे साथ भी आप काउंट करके मेरे साथ भी आप चांट कर सकते हो। सबसे पहले हम रूट चक्र को चांट करेंगे। एक और बात, जो चक्रों के बारे में जानते हैं, आप चक्र को विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ जहाँ कहाँ चक्र है देख कर। टेल बोन जो होता है ना, वहाँ होता है मूलाधार चक्र, वहाँ पे रेड रंग के डॉट को विजुलाइज करते हो, जैसे वहाँ रेड कलर है। स्वाधिष्ठान की जगह पे स्वाधिष्ठान, ऑरेंज कलर, ऊपर येलो कलर, चैंटिंग के टाइम पे आप चाहो तो विजन देख सकते हो, तो भाई सिर्फ चैंटिंग भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम वम 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 रम 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 हम यम 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 हम 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 ओम 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 इतना सा 2 से 3 मिनट और आपने सातों चक्र को वाइब्रेट कर लिया मंत्र से। अगर आप ऐसा रोज़ करने लगते हैं तो आपके सातों चक्र बहुत ही प्योर होने लगेंगे, अगर बहुत गंदे भी धीरे धीरे प्योर होने लगेंगे। ब्लैक मैजिक को मैं साथ में बता दूं कि अगर ऐसा कुछ है तो दिक्कत है, क्योंकि ये एनर्जीज प्योर होने भी देती है चक्रों। इसीलिए अगर ऐसा कुछ इश्यू हो तो पहले क्लियर करवा लें और उसके बाद चक्रों को मजबूत करने पे लग जाएं। आई एम अ प्योर सोल आप जपते रहा करें और इन सातों चक्र के मंत्र भी जपते रहा करें तो आपकी जो एनर्जीज है वो खुद ही इतनी स्ट्रांग होने लगेंगी कि ऐसी ब्लैक एनर्जीज आप तो जल्दी कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक।